आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोडोंटिक्स आईबीक्यू। तो मैं पहली बार जब किसी को बोला था आईबीक्यू डिस्कस करेंगे, देन दे आस्क व्हाट इज आईबीक्यू, ये तो पहली बार सुना है। तो आईबीक्यू का मतलब है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो दिस आर वेरी कॉमन इन नाउ नीट एमडीएस पेपर में, अभी बहुत कॉमन हो गया है। 6 से 7 क्वेश्चन आ जाता है आईबीक्यू ओनली ऑफ वन सब्जेक्ट ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो में बहुत सारा इमेज है, तुम्हारा एक्टिवेटर है, फंक्शनल रेगुलेटर है, फिर बायोनेटर है, तुम्हारा फेस मास्क है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे। तो मैं जब पहली बार अटेम्प्ट किया था तो उस बार 6 से 7 क्वेश्चन आए थे इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो और वैसे भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, जो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको क्या होता है, लास्ट एग्जाम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो होता है, जो आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारा ऐसे चीजें देते हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक एक्टिवेटर रख दिया वहाँ पे, तो आपको पूछेगा कि एक्टिवेटर का इंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इसको किसने बनाया था, नॉर्वेगियन अप्लायंस भी बोलते हैं इसको, तो ये सब सारा क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। फिर फ्रेंकल रेगुलेटर क्लास 1 है, 2 है, 3 है, ये कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, फेस मास्क फिर कितना घंटा यूज करते हैं, तो ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको इमेजेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस क्लास ऑर्थोडोंटिक्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ये एक क्लास में खत्म नहीं होगा, कम से कम आपको 3 क्लासेस चाहिए। ठीक है, टुडे आई हैव गॉट अराउंड 60 इमेजेस। ठीक है, और इसको आज देखते हैं कितना हो पाता है इन 45 मिनट्स, एंड देन वी विल हैव अनदर 2 क्लासेस नेक्स्ट वीक, और वी विल सी कब कर सकते हैं। और एक 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 बात मैं बताता हूँ, द बेस्ट थिंग फॉर रिविजन, आप क्या कर सकते हो, ये जो मैं क्लास कर रहा हूँ इसका आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा कुछ देर बाद। ठीक है, उस वीडियो को अगर आपको पूरा समझ में आ गया, आज मैंने जो पढ़ाया सो सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करना, वो यूट्यूब वीडियो को 2x में प्ले कर देना। वहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो जो 3 डॉट होता है यूट्यूब के, वहाँ पे ऑप्शन होता है 1.5x, 2x, ऐसे होता है 1.75x। तो मैं जो भी वीडियो देखता हूँ हमेशा 2.0x पे देखता हूँ, ताकि मेरा टाइम बच जाए। जो 40 मिनट का वीडियो है वो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। दिस यू कैन यूज फॉर रैपिड रिविजन। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार मेरा क्लास यहाँ पे सुन लिया, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब में वीडियो है वो 2x में देख लेना। ठीक है, तो 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो, 2 to 3 times रिवाइज करोगे अपने आप हो जाएगा। एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे, कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट इमेज। ये क्या है, कोई बोल सकता है, एनीवन, क्या है ये? ये क्लास्प है, कौन सा क्लास्प है? ट्रायंगुलर। हाँ, ट्रायंगुलर क्लास्प है, वेरी गुड। तो ये इमेज आपको एग्जाम में आ सकता है, नीट एमडीएस में आ सकता है, दोज हु आर अपीयरिंग फॉर नीट एमडीएस, और जो 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 फाइनल ईयर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपको बनाना पड़ता है फाइनल ईयर प्रैक्टिकल्स के लिए, आपको बनाना पड़ता है। तो ये देख लो ट्रायंगुलर क्लास्प कैसे होता है, ऐसे कुछ ऐसे होता है ना एम्ब्रेशर पे। तो ट्रायंगुलर क्लास के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ट्रायंगुलर क्लास एंगेज प्रॉक्सिमल अंडरकट एंड आर इंडिकेटेड फॉर एडिशनल व्हेन एडिशनल रिटेंशन इज रिक्वायर्ड। तो इसको कब देते हैं हम, नॉर्मल रिटेंशन क्या से हमको मिलता है, एडम्स क्लास। ठीक है, पर हमको एडिशनल रिटेंशन चाहिए, और सारा रिटेंशन चाहिए, वो एडम्स क्लास से नहीं हो रहा है, एडिशनल रिटेंशन चाहिए, then we use triangular clasp, okay? तो ये picture आप याद रख लो, ठीक है? This is called triangular clasp, okay? Fine, we'll go to the next picture. ये क्या है? Anyone? Adam's clasp with J. हाँ, Adam's clasp with J hook. Very good, very good, very good. Adam's clasp with J hook. तो ये किस लिए use करते हैं? Adam's clasp with J hook. Just a minute, I'll move this side. So Adam's clasp is J hook.
is one of the modification of Adam's class where J hook is soldered onto the bridge of Adam's class. देखो ये जो ब्रिज है इसको ब्रिज बोलते हैं एडम्स क्लास का, और यहाँ पे ये जे हुक सोल्डर्ड है एंड इट इज यूज टू एंगेज इलास्टिक, जो हम फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट उसमें हम क्या यूज करते हैं, इलास्टिक यूज करते हैं, राइट। एनी वन हैविंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट उसको पता होगा कि इलास्टिक्स हम यूज करते हैं, तो इलास्टिक्स ये इस जे हुक में डालते हैं हम, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट एडम क्लास विद जे हुक। दिस इज क्या है ये, एनीवन बोल सकते हैं, जोइता, फरीदा, विजय, मनोजित, सूरज छेत्री, पता है भैया, क्लोजेट क्लास, क्लोजेट क्लास, वेरी गुड वेरी गुड, ये क्लोजेट क्लास है, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस, ये क्लोजेट क्लास है। तो क्लोजेट क्लास रिसेंबल ए फुल क्लास बट एन एडिशनल पीस ऑफ वायर सोल्डर व्हिच एंगेज इनटू मेजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट। तो देखो ये नॉर्मल क्लास जैसे ही है, एक सी क्लास की तरह ही है, पर क्या होता है ये दो यहाँ पे वायर सोल्डर्ड है, छोटा छोटा वायर सोल्डर्ड व्हिच एंगेजेस इनटू मेजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट। तो ये यहाँ पे जो अंडरकट है मेजियल में, ये मेजियल हो गया, सोच लो ये डिस्टल हो गया, तो मेजियल और डिस्टल अंडरकट में एंगेज होता है। क्लोजेट क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है, इट ऑफर्स बेटर रिटेंशन, इसको बेटर रिटेंशन, जैसे हमने ट्रायंगुलर क्लास को बेटर रिटेंशन के लिए यूज किया था, तो क्लोजेट क्लास को भी हम बेटर रिटेंशन के लिए यूज करते हैं, ओके। देन व्हाट इज दिस, ये क्या है, एनीवन, मनोजित, व्हाट इज दिस, अभी अभी एग्जाम दिए हो आप, टी 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 क्लास, हाँ टी क्लास, वेरी गुड, टी क्लास, टी स्प्रिंग, ओके। टी स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ ए टी शेप आर्म व्हिच ब्रिंग्स अबाउट बकल मूवमेंट ऑफ प्रीमोलर एंड कैनाइन। तो क्या करता है ये, देखो टी स्प्रिंग जो है ये प्रीमोलर के साथ रखा है, एक्चुअली ये आइडियल कास्ट है, आइडियल कास्ट पे, आइडियल कास्ट नहीं है फिर भी इन दिस द प्रीमोलर इज नॉट बकल पैलेटली टिल्टेड ना, तो इसको थोड़ा अगर ये पैलेटली टिल्टेड है, ये प्रीमोलर थोड़ा अंदर की तरफ है, देन वी यूज दिस टी क्लास उसको पुश करने के लिए बाहर की तरफ। तो बकल मूवमेंट ऑफ प्रीमोलर, बकल मूवमेंट ऑफ प्रीमोलर और कैनाइन के लिए यूज करते हैं हम टी स्प्रिंग, ओके। एंड ये आई एम श्योर ये आपको नहीं पता होगा, इतना सारा तो कैसलिंग, हाँ कैसलिंग, ओके ओके, कौन बोला ये, मेघा, मेघा, आओ मेघा, सो वेरी गुड वेरी गुड मेघा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि व्हेन आई वाज एन इंटर्न आई डिड नॉट न्यू दिस, ओके। हाँ ये सही बात है, कभी भी हम अपने आप से दूसरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग डफर है तो इसका मतलब दूसरे भी डफर है, ये नहीं हो सकता। वेरी गुड मेघा, सो दिस इज कैसलिंग, कैसलिंग सेपरेटर, ओके, कैसलिंग सेपरेटर बोलते हैं इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसलिंग सेपरेटर कंटेन ए कॉयल एंड टू आर्म्स, ओके। तो एक कॉयल है, देखो इसमें ये कॉयल है और इसमें दो आर्म्स है, ये एक आर्म और ये एक आर्म, एंड यूज टू सेपरेट द कॉन्टेक्ट एरिया। तो देखो ये दो दांत के बीच कॉन्टेक्ट एरिया है, ठीक है, ये दो दांत, ये एक दांत है, ये एक दांत है, इस दोनों के बीच कॉन्टेक्ट एरिया है। तो ये कॉन्टेक्ट एरिया क्योंकि आपको यहाँ पे मोलर ट्यूब लगाना है, मोलर बैंड लगाना है, ताकि आप उस पे वायर लगा सके ना, ऐसे करके फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक, तो आपको ये दोनों दांत को सेपरेट करना पड़ेगा। और वो दांत को सेपरेट कैसे करेंगे, वी विल यूज दिस कैसलिंग सेपरेटर, ये कैसलिंग सेपरेटर को यहाँ पे डालेंगे और हम ये दोनों दांत को कॉन्टेक्ट एरिया रिमूव करेंगे, ठीक है। शॉर्ट आर्म इज प्लेस बिलो द कॉन्टेक्ट एरिया, इसका शॉर्ट आर्म है देखो नीचे की तरफ रखेंगे, लॉन्गर आर्म अबव द कॉन्टेक्ट एरिया, लॉन्गर आर्म अबव द कॉन्टेक्ट एरिया, ठीक है। कैसलिंग सेपरेटर इज एक्टिवेटेड बाय ओपनिंग अप द कॉइल, तो इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, एक्टिवेटेड बाय कैसे, कॉइल को ओपन करते हैं, ओपनिंग द कॉइल, ओके, इज एक्टिवेटेड बाय ओपनिंग द कॉइल, ठीक है। ये क्या है, नेक्स्ट, चिन कप भी बोलते हैं इसको,
ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर क्लास थ्री मालोक्लूशन. क्लास थ्री मालोक्लूशन क्या है, रेट्रोग्नेथिक या प्रोग्नेथिक? प्रोग्नेथिक, प्रोग्नेथिक मैंडिबल. तो ये देखो इसको चिन में क्यों दे रहे हैं, इसका मैंडिबल ज्यादा आगे है, सोचो यहाँ तक था इसका, तो चिन का देते देते यहाँ पे लाया है. तो प्रोग्नेथिक मैंडिबल में हम चिन का यूज करते हैं. ओके, प्रोग्नेथिक मैंडिबल में हम चिन कैप यूज करते हैं. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ फेस मास्क. पिटेट मास्क. हाँ, पिटेट मास्क. हाँ, पेटिट, पिटेट मास्क. पेटिट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. दिस इज पेटिट मास्क. ओके, पेटिट मास्क. ओके, पेटिट टाइप और मॉडिफाइड डेलायर भी बोलते हैं इसको. और एक है डेलायर, ओके, वो दूसरा है. ठीक है, और ये पेटिट है, इसको मॉडिफाइड डेलेयर भी बोलते हैं. कंटेंस चिन कप, इसमें एक चिन कप होता है, ये देखो एक चिन कप है. एंड ए फोरहेड कैप, ये एक फोरहेड कैप है. ठीक है, विथ ए सिंगल रॉड. तो देखो सिंगल रॉड पेटिट में पहला, पहला ऐसे याद रखो, पहला मतलब सिंगल. ओके, तो इसमें सिंगल रॉड रहता है. ठीक है, और एक है डेलायर. डेलायर होता है बॉक्स शेपेड, तो वो दूसरा. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो बी क्यों, कौन सा होता है? दूसरा अल्फाबेट होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो. तो पी पेटिट पहला एंड सिंगल रॉड. ओके, सिंगल रॉड, ये एक ही रॉड है यहाँ पे, ये देखो एक ही रॉड है. आई विल शो यू विथ ए पॉइंटर, लेजर पॉइंटर. ये शो नहीं कर रहा. एनीवे, तो ये एक ही रॉड है यहाँ पे, देखो. तो ये पेटिट फेस मास्क है. ओके, देन ये क्या है? वेरी सिंपल, क्या दे ले? हाँ, ट्विन ब्लॉक. हाँ, ट्विन ब्लॉक. एंगल बताओ, तो एंगल बताओ. ट्विन ब्लॉक तो ये आसान है बोलना, एंगल 70 डिग्री. यस यस यस, वेरी गुड. और इसको किसने बनाया था, किसने बनाया था? क्लार्क. हाँ, विलियम क्लार्क. विलियम क्लार्क. ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. ट्विन ब्लॉक वाज गिवन बाय क्लार्क ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ द टेक्निक द एंगुलेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. जो पहले पहले इवोल्यूशन हुआ तो वो उसको 90 to 45 degree बनाए थे, पर बाद में दे केम टू अ कंक्लूजन दैट 70 degree इज द बेस्ट. तो इसका इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा. Because ये presentation it will become very long. I have not put these things. जो main points है उस पर जा रहा हूँ. I am just giving you a brief idea कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस पे concentrate करना है. We will do in details also in the upcoming classes. पर इस class में I am just giving you a brief कि आपको पता चले कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमारे syllabus में है. Okay? तो विलियम क्लार्क, इसका इंडिकेशन, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा. ये क्या है, क्या हुआ है इस दांत को जो रेड कलर में है, इस दांत को क्या हुआ है? एक्सट्रूशन. हाँ, एक्सट्रूशन हुआ है. एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन का मतलब क्या है? नॉर्मल से बाहर आ जाना. ये देखो नॉर्मल ये है, ठीक है, ये बाहर आ गया है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूशन. ओके, एक्सट्रूशन ऑफ सेंट्रल इंसाइसर इज सीन. The amount of force required for intrusion of teeth is 15 to 25 grams. अब ये extrusion हो गया है, इसको अंदर डालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ऐसे ही रहने देंगे हम? नहीं देंगे, इसको अंदर डालना पड़ेगा. तो intrusion के लिए एक force हमको create करना पड़ेगा. तो intrusion का force कितना है? 15 to 25 grams. ये याद करना है, रट्टा मार लो, नीट MDS में काम आएगा. 15 to 25 ग्राम्स, ये एकदम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, वेरी टू द पावर एन इम्पोर्टेंट. ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना ही है आपको. इंट्यूशन के लिए कितना ग्राम फोर्स चाहिए? 15 टू 25 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट, ये है हमारा फेवरेट अगली डकलिंग स्टेज. अगली डकलिंग स्टेज का दूसरा नाम क्या है, पता है किसी को? ब्रॉडबैंड फेनोमेनन. ब्रॉडबैंड फेनोमेनन, वेरी गुड. ब्रॉडबैंड फेनोमेनन बोलते हैं इसको.
अगली डकलिंग का आपको क्या देगा, क्वेश्चन में क्या देगा कि एक बच्चा आया है, उसका 8 या 9 साल है, उसको मिडलाइन डायस्टेमा है, तो व्हाट आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो आपको ऑप्शन में आएगा एक्सट्रैक्ट करो, ये करो, वो करो, और एक ऑप्शन वो भी रहेगा कि रहने दो, ठीक है? तो आपको उसमें देना है कि रहने देना है उसको, लिव इट एज इट इज। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि वो एक ट्रांजिएंट मायलोक्लूजन है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? कुछ समय का, कुछ समय के लिए मायलोक्लूजन है, वो अपने आप इट विल करेक्ट बाय इटसेल्फ, वो खुद को खुद से करेक्ट कर लेगा, ठीक है? तो इट इज सीन इन 8 to 9 years। इसमें क्या होता है, कैनाइन इराप्ट होता है। ये देखो, इसका ओपीजी मैंने लाया है, कैनाइन इराप्ट हो रहा है, तो ये एलआई पे वो फोर्स प्रेशर देता है, उसके कारण एलआई अंदर की तरफ मेजियली आ जाता है, उसके कारण ये सीआई में इफेक्ट करके क्या होता है, ये स्पेस मिडलाइन डायस्टेमा क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो ये दिस कंडीशन इज सीन ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ कैनाइन, कैनाइन के इरप्शन के समय दिखाई देता है, व्हिच डिस्प्लेस द रूट ऑफ लेटरल इंसाइसर, जो लेटरल इंसाइसर है उसका रूट को डिस्प्लेस कर देता है, और क्या क्रिएट करता है, अगली डकलिंग, मतलब मिडलाइन डायस्टेमा, ओके? ये मिडलाइन डायस्टेमा कॉज करता है, ओके? नेक्स्ट, ये क्या है, प्राइमेट स्पेस। हाँ, प्राइमेट स्पेस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्राइमेट स्पेस, प्राइमेट स्पेस क्या होता है अभी बताता हूँ। प्राइमेट स्पेस, इसको सिमियन स्पेस भी बोलते हैं, आर सीन मेजियल टू मैक्सिलरी कैनाइन। ये देखो, मैक्सिलरी कैनाइन ये है, ठीक है, इसके मेजियल साइड में है स्पेस, ठीक है, एंड डिस्टल टू मैंडिबुलर कैनाइन, और डिस्टल ये मैंडिबुलर कैनाइन है, इसका डिस्टल में आपको एक स्पेस है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमेट स्पेस। ये फोटो याद रख लेना, आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दिस इज व्हाट, ये क्या है, एडम्स क्लास विथ हेलिक्स, ठीक है? ये एडम्स क्लास है, इसमें एक हेलिक्स है, ठीक है? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, Adam's clasp with helix is a modification of Adam's clasp where elastics are attached to the helix. ये जो helix है, इसमें क्या करते हैं? Elastics लगाते हैं. It can be used on primary dentition, permanent dentition, on partially erupted. तो मतलब इसको क्या में use कर सकते हैं? Primary में use कर सकते हैं, permanent में use कर सकते हैं, और mixed dentition, मतलब partially erupted को mixed dentition बोलते हैं. तो तीनों में हम एडम्स क्लास विथ हेलिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? फाइन, ये क्या है, ये बताओ, सेपरेटर। हाँ, Start preparing for the NEET MDS from your home. Dr. Pranav Academy of Dental Sciences. Online classes for all first, second, third and final year students. NEET MDS online test series, unlimited practice and highest quality teaching. Affordable pricing. Download the app now. Space Regainer. हाँ, ये Space Regainer है। कौन सा वाला Space Regainer है? ये गड़बड़ वाला Space Regainer है। हाँ, गड़बड़ वाला Space Regainer है। गड़बड़ Space Regainer, okay? तो ये गड़बड़ Space Regainer है। गड़बड़ Space Regainer is used to bring distalization of first molar. ये जो first molar है, उसका distalization करने के लिए, डिस्टली मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। डिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो, गेनिंग स्पेस इन डेंटल आर्च इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन द ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो अगर स्पेस गेन नहीं करेंगे तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे मैं मेरा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहता था, पर मैं गया वहां पे, तो बोले तुम्हारा तो क्राउडिंग है लोअर मैंडिबुलर में, तो बोले कि एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। मैं डर गया, बोले एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, मेरे को नहीं करवाना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मैं आ गया, पर सब तो मेरे जैसे नहीं है पीपल, मैं लुक कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं जैसे भी चल जाता है मेरा जिंदगी, पर पीपल आर नॉट लाइक दैट, तो उनको लुक्स मैटर करता है। तो जैसे क्राउडेड है डेंटिशियन, तो क्या करेंगे वो, हाँ, उनको तो स्पेस बनाना पड़ेगा, क्राउडेड है, दांत को एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है?
तो उसको कैसे करेंगे हम डिस्टिलाइजेशन, मोलर डिस्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या रखते हैं हम, मोलर डिस्टिलाइजेशन। ओके ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एनीवन? ममता क्या है ये? साउथ एंड क्लास। वेरी गुड। मार्जुक इज ऑल्सो देयर। मार्जुक वॉज नॉट देयर आई थिंक यस्टरडे। साउथ एंड क्लास, ओके। साउथ एंड क्लास वॉज गिवेन बाय स्टीफन, एस फॉर साउथ एंड, एस फॉर स्टीफन। ठीक है, इज ए सिंगल एरो हेड प्लेस, सिंगल एरो हेड है ये, बिटवीन बोथ द सेंट्रल इंसाइसर। कहाँ पे देते हैं? सेंट्रल इंसाइसर्स के बीच में देते हैं। दिस मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एंटीरियर एंकरेज। इसलिए देते हैं, एंटीरियर एंकरेज के लिए देते हैं। डिस्टल्स आर कैरीड ओवर ऑक्लूशियल एम्ब्रेशियर टू एंड एस रिटेन। और ये जो डिस्टल एंड है वो ऑक्लूशियल एम्ब्रेशियर से कैरी होके रिटेंटिव आर्म बना देते हैं हम। ठीक है, दिस वॉज अबाउट साउथ एंड क्लास्प। ये क्या है, मोस्ट फेवरेट, सबसे इजी वाला ये है। ओरल स्क्रीन। यस, वेरी नाइस। ओरल स्क्रीन। हाँ, ओरल स्क्रीन का दूसरा नाम क्या है बताओ? वेस्टिबुलर स्क्रीन। यस, वेरी गुड, वेस्टिबुलर स्क्रीन। क्योंकि ये वेस्टिबुल में हम रखते हैं ना, वेस्टिबुल पे इसका ये पड़ता है। देखो ये वेस्टिबुल है ना, तो वेस्टिबुल में ये रीच करता है, इसलिए वेस्टिबुलर स्क्रीन। और ओरल स्क्रीन इज ए मायोफंक्शनल अप्लायंस इज इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ, कहाँ पे देते हैं? माउथ ब्रीदिंग हैबिट। जिन पेशेंट को माउथ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है उनको हम ये ओरल स्क्रीन देते हैं। और माइल्ड डिस्ट्रो ऑक्लूशन में भी हम ओरल स्क्रीन देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अभी टंग टाई। टंग टाई। दूसरा नाम क्या है? एंकाइलोग्लोशिया। टंग टाई और एंकाइलोग्लोशिया, इन विच लिंगुअल फ्रेनम इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। देखो ये लिंगुअल फ्रेनम है, ये फ्लोर ऑफ द माउथ में अटैच्ड है। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन लोअर पोजीशनिंग एंड प्रीडिस्पोजिंग अनरिस्ट्रेन वैक्सीनेटर एक्टिविटी। तो इसके कारण क्या होता है, अनरिस्ट्रेन वैक्सीनेटर एक्टिविटी होता है। और अनरिस्ट्रेन वैक्सीनेटर अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो क्या होगा, नेरो मैक्सिलरी आर्च। ठीक है, नेरो मैक्सिलरी आर्च हो जाएगा। अगर वैक्सीनेटर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो मैक्सिलरी आर्च नेरो हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, लिंगुअल आर्च। यस, वेरी गुड। दिस इज लिंगुअल आर्च। ओके, लिंगुअल आर्च स्पेस मेंटेनर। और नॉट ओनली लिंगुअल आर्च स्पेस मेंटेनर। लिंगुअल आर्च और लिंगुअल होल्डिंग आर्च इज इंडिकेटेड वेयर देयर इज मल्टीपल लॉस ऑफ बायलेटरल डेसीडियस टीथ। जब बायलेटरल डेसीडियस टीथ मिसिंग हो तो यूज करते हैं। ठीक है, इट इज इंडिकेटेड आफ्टर इरप्शन ऑफ इंसाइसर। देखो यहाँ पे इंसाइसर इरप्ट हो गया है, उसके बाद ही हम इसको यूज करते हैं। इट इज डिजाइन टू कॉन्टेक्ट लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ। तो ये कहाँ पे लगता है, लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ। आपको पूछ सकता है कि ये लिंगुअल आर्च स्पेस मेंटेनर पोस्टीरियर के लिए है कि एंटीरियर के लिए? एंटीरियर के लिए। ठीक है, लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ में इसको लगाते हैं। ये क्या है, सिंपल वन, इंट्रूशन। हाँ, इंट्रूशन। अभी एक्सट्रूशन का फोर्स बताओ, एक्सट्रूशन के लिए फोर्स कितना चाहिए? ये तो इंट्रूशन हो गया, अभी हमको एक्सट्रूशन करना है, तो कितना फोर्स चाहिए? 50 to 75 grams। ठीक है, द अमाउंट फॉर एक्सट्रूशन ऑफ टूथ इज 50 to 75 grams। ये सब न्यूमेरिकल याद रखना बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को भी बहुत डिफिकल्टी फेस होता है, पर ये कोई ऑप्शन नहीं है, बोलते हैं ना उपाय नहीं, तो ये कोई उपाय नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक निकालो, हाँ, ए बी सी डी ई ऐसे याद रख सकते हो। ई फिफ्थ अल्फाबेट है ना, ठीक है, फिफ्थ अल्फाबेट। तो एक्सट्रूशन फिफ्थ अल्फाबेट है,
तो याद रखो 5 for E for 5 और 5 for 50, ठीक है। अब 5 का टेबल बोल दिया है तो 5 15 75 याद रहेगा अभी। अच्छा टेक्निक है ना, अचानक से आ गया, ठीक है, ये अभी याद रहेगा आई थिंक। सर प्लीज रिपीट। हाँ प्लीज रिपीट। ओके देखो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए हो गया पहला अल्फाबेट, बी हो गया सेकेंड अल्फाबेट, सी हो गया थर्ड अल्फाबेट, डी हो गया फोर्थ अल्फाबेट, ई हो गया फिफ्थ अल्फाबेट। तो ई फॉर क्या है, एक्सट्रूशन, ठीक है। तो एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन कौन सा में आता है, 5 5 for 50। तो ये अभी अगर 50 तो हो गया, 5 का टेबल पे हम आ गए, 5 for 50 आया है। तो 5 for 50 देखो, 5 for 50 आ गया, 5 10 50, ठीक है। तो 5 के बाद कौन सा आएगा, 11 से तो नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 5 फिर कहाँ पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। तो 5 15 75, तो इसीलिए 50 to 75 grams। ओके ठीक है, समझ में आया। अभी कौन पूछा था, मेघा, मेघा क्या समझ में आया अभी? यस सर। श्योर याद रहेगा? यस सर। ओके 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 फाइन। ये क्या है, ये दिस इज अ फिक्स्ड अप्लायंस, ठीक है, ये रिमूवेबल नहीं है, ये आपने देखा नहीं होगा पहले एक्सेप्ट फॉर टेक्स्ट बुक। ये क्या है, ये एक फिक्स्ड अप्लायंस है। क्या नाम है इसका, जेस्पर जम्पर नहीं है ये, हार्प्स। कौन बोला हार्प्स, वेरी गुड, हार्प्स अप्लायंस। हाँ हार्प्स अप्लायंस, दिस अप्लायंस शोन इन द फिगर इज हार्प्स अप्लायंस। ये किसमें देते हैं, देखो ये फिक्स अप्लायंस है, जो पेशेंट कॉम्प्लायंट नहीं है, पेशेंट अपना क्या करता है, आप उसको कोई रिमूवेबल अप्लायंस देते हो वो फेंक देता है, तो ही इज नॉट कॉम्प्लायंट ना, तो उसको क्या करते हैं हम, ये हार्प्स अप्लायंस देते है। जो जेस्पर जम्पर बोले हो ना आप, उसमें एक ट्यूब जैसा रहता है, यहाँ पे ये तो स्टील का बना है देखो, पर उसमें जेस्पर जम्पर में एक ट्यूब रहता है, ठीक है, रबर ट्यूब रहता है। तो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ड्यूअल बाइट हो जाता है, ठीक है, विद डिसफंक्शन। ये जरूरी नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है हार्प्स अप्लायंस, और ये एक फिक्स अप्लायंस है, ठीक है। ये क्या है, Yes, yes, correct. Nans palatal arch is a space maintainer which bends on first permanent molar and does not touch any tooth surface. देखो, कोई tooth surface को ये touch नहीं करता है. हाँ, which bends on first molar. ये first molar में ये bending कर दिया, ठीक है? It obtains anchorage from the palate. इसको anchorage कहाँ पे मिलता है? With acrylic button. तो ये एक acrylic button है यहाँ पे. इससे इसको anchorage मिलता है, ठीक है। The main disadvantage is tissue irritation. इसका disadvantage क्या है? Tissue irritation. क्योंकि ये एक acrylic plate palate पे लगा रहेगा, तो tissue irritation होगा कि नहीं? Tissue irritation definitely होगा, क्योंकि जो acrylic है इट्स irritable, क्या बोलते हैं, उतना biocompatible नहीं है ना, अगर आप cold cure acrylic आप मुंह पे लगा के रख दोगे, तो that's why tissue irritation होता है, ठीक है। ये क्या है, एनीवन? ये एक बैंड है और ये एक लूप है। डिस्टल शू में तो ऐसे होता है ना, ऐसे कुछ होता है, हम दिखाएंगे डिस्टल शू भी आपको नेक्स्ट में, ठीक है। बैंड एंड लूप मेंटेनर इज ए यूनिलेटरल फिक्स्ड अप्लायंस इंडिकेटेड फॉर स्पेस मेंटेनेंस इन पोस्टीरियर सेगमेंट। तो बैंड एंड लूप क्या होता है, फिक्स अप्लायंस इंडिकेटेड फॉर स्पेस मेंटेनेंस पोस्टीरियर सेगमेंट में, ठीक है। द टू डिस्टल टू द एक्सट्रैक्शन स्पेस इज बेंडेड। तो क्या होता है, जो डिस्टल टू एक्सट्रैक्शन स्पेस है, ये एक्सट्रैक्शन स्पेस है, उसका डिस्टल है, उसको बेंड किया जाता है। एंड अ लूप ऑफ थिन थिक स्टेनलेस स्टील वायर इज सोल्जर्ड टू इट विथ इट्स मेजियल एंड टचिंग द टू मेजियल टू एक्सट्रैक्शन स्पेस। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये
बैंड एंड लूप है, यहाँ पे एक बैंड है और ये एक लूप है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज रॉबर्ट रिट्रैक्टर, ओके, ये रॉबर्ट रिट्रैक्टर है। रॉबर्ट रिट्रैक्टर इज ए लेबियल बो ऑफ थिन गॉज स्टेनलेस स्टील वायर हैविंग ए कॉइल ऑफ 3 mm मेजियल टू कैनाइन, ओके। फिर इट इज इंडिकेटेड इन पेशेंट हैविंग सीवियर एंटीरियर प्रोक्लाइनेशन विद ओवरजेट। ओवरजेट का मतलब क्या है, जो ऊपर का दांत है, ठीक है, मैक्सिलरी दांत और मैंडिबुलर दांत, उसका एक गैप होता है, ठीक है, तो उसका एक मिनिमम लिमिट होता है, पर वो अगर ज्यादा हो गया तो उसको ओवरजेट, ठीक है, ओवरजेट इज मोर देन 4 mm, अगर 4 mm से ज्यादा हो गया तो हम रॉबर्ट रिट्रैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एनीवन, मार्जुक, मृदुस्मिता, डेल्टा क्लास, वेरी गुड, डेल्टा क्लास, डेल्टा क्लास वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय डॉक्टर विलियम क्लार्क, इन्वेंटर ऑफ द ट्विन ब्लॉक अप्लायंस। इट्स क्लास फंक्शन लाइक एडम्स क्लास बट दे यूटिलाइज द हेलिक्स ऑन द मेजियल एंड डिस्टल अंडरकट फॉर रिटेंशन। देखो दो हेलिक्स है मेजियल और डिस्टल अंडरकट में रिटेंशन के लिए आपको, ठीक है। और इसको किससे बनाया जाता है, 19 गॉज स्टेनलेस स्टील। आई हैव ए ग्रेट न्यूमोनिक्स टू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग, 19 किस में यूज होता है, 21 किस में यूज होता है, 22, 23, आई विल शेयर यू इन आवर अपकमिंग क्लासेस। आई कैन नॉट एश्योर कि कब करूंगा, पर आई विल डेफिनेटली शेयर यू। आई हैव गॉट ए सीरीज ऑफ न्यूमोनिक्स जिससे आपको मैं ये जो 19 गॉज, 21 गॉज, 22 गॉज कैसे याद करते हैं वो मैं पूरा सिखा दूंगा आपको। तो ये क्या है, डेल्टा क्लास 19 गॉज में यूज होता है। ये क्या है, ये नेजोलेबियल एंगल, ठीक है। नेजोलेबियल एंगल नॉर्मल वैल्यू कितना है पता है किसी को, 110, वेरी गुड, वेरी गुड, 110, द एंगल इज नॉर्मली 110। तो नेजोलेबियल एंगल इज द एंगल फॉर्म बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ द नोज, लोअर बॉर्डर ऑफ द नोज ये हो गया, एंड ए लाइन कनेक्टिंग इंटरसेक्शन ऑफ नोज एंड अपर लिप, ये एक लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ नोज एंड अपर लिप, ठीक है। तो इसको नेजोलेबियल एंगल बोलते हैं, और दिस इज इंक्रीज इन रेट्रोग्नेटिक मैक्सिला। तो जो मैक्सिला ये पीछे में है तो ये इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, इंक्रीज हो जाएगा, और रेट्रोक्लाइन इंसाइसर, अगर इंसाइसर भी रेट्रोक्लाइन है, ये पीछे की तरफ है, देन दिस एंगल विल इंक्रीज, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द एंगल इज इंक्रीज इन रेट्रोग्नेथिक मैक्सिला। अच्छे से अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई हैव ओनली 2 minutes। वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू द क्लास अगेन और वी शुड फिनिश इट हेयर, आज फिर से और एक क्लास करे या यहाँ पे खत्म कर दे? एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, ठीक है, लंबा क्लास हो गया। तो ये कौन सा है, फ्रेंकल अप्लायंस कौन सा है, 2, 3 कौन सा है, ये फ्रेंकल टाइप 3 है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखो 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, तो इसीलिए ये जो पैड है ये ऊपर में रहता है, ठीक है। तो ये फ्रेंकल अप्लायंस 3 है, फ्रेंकल अप्लायंस 3 ये ऊपर में है, ये आता है, ये एग्जाम में आया था 2019 या 20 को, ठीक है। और ये हाई लेवल वो विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो एनी डाउट, आप लोग का कोई डाउट है, वुड यू लाइक मी टू क्लेरिफाई, समझ में आया सब कुछ? ममता, हाँ भैया, समझ में आया? हाँ भैया, अब तक आ गया। ओके, एमएस कौन है? मैं ही हूँ भैया। अच्छा, तुम दो बार देख रही हो क्या? नहीं, एक्चुअली ओके। मार्जुक, समझ में आया? मार्जुक, हाँ समझ में आया। ओके, गीतू पढ़ना,
सबको समझ में आया? ओके देन वी विल एंड द क्लास हियर. टुमारो क्या है, रूटीन पे चेक करना पड़ेगा. आई थिंक एंडोडोंटिक्स वी हैव एंडोडोंटिक्स और समथिंग एल्स. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करेंगे. सी यू टुमारो, क्या बोलते हैं लास्ट में, सी यू टुमारो और गुड नाइट. ठीक है, कल मिलते हैं.